दुनिया को अपने जादू से अचंभित करने वाला सितारा अब हमेशा के लिए खामोश हो गया है। अपने इंद्रजाल से लोगों को हैरान करने वाले मशहूर जादूगर ओपी शर्मा ने 76 साल की उम्र में शनिवार रात दुनिया को अलविदा कह दिया। गुर्दे की लंबी बीमारी के कारण उन्हें कानपुर के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वो कोरोना काल से ही बीमार चल रहे थे। बताते चले कि ओपी शर्मा मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे। आगे चलकर स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में डिजाइनर के पद पर नौकरी लगी तो वो कानपुर आ गए थे। वो कानपुर शहर के बर्रा स्थित भूत बंगले में रहते थे। गौरतलब है कि अपने जादू की वजह से ओपी शर्मा ने विश्व भर में प्रसिद्धि हासिल की थी। ओपी शर्मा जादू की दुनिया के बेताज बादशाह थे। वो जहाँ भी परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो उनके साथ लगभग 150 से भी ज्यादा लोगों का काफिला चलता था, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी होते थे। उनके शो के टिकट हाथों हाथ बिक जाते थे। उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव का टिकट भी दिया था। भले ही उन्होंने कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा हो, पर उनके चाहने वाले लगभग हर राजनीतिक दल में थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक ओपी शर्मा के जादू का क्रेज सभी के सिर पर चढ़कर बोलता था। यही वजह रही कि उनके निधन का ये दुखद समाचार मिलते ही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी शोक जताते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ओपी शर्मा ने अपने जादू के माध्यम से समाज में जागरूकता का प्रसार भी किया। उनके जादू सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करने वाले होते थे। वो हमेशा कहते थे कि जिसे दर्शक जादू समझते हैं, दरअसल वो विज्ञान का चमत्कार है। ओपी शर्मा कहते थे कि जादू की कला हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ही विद्यमान है और ये भारत से ही विश्व में फैली है। ओपी शर्मा की जादुई कला के कारण उनके हजारों चाहने वाले हैं। उनकी मौत के बाद से लोगों में शोक की लहर है। लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ओपी शर्मा के निधन के साथ ही भारत में जादूगरी के एक अध्याय के सफर का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।